और अधिक धमकाने के लिए रावण ने कहा, सुनो सुंदर स्त्री, मैं धन के देवता कुबेर का भाई हूं। उसे पराजित करने के पश्चात मैंने उसका पुष्पक रथ ले लिया है, और अब वह कैलाश पर्वत के निकट छुपा हुआ। सभी देवता मुझसे डरते हैं, और जहां भी मैं जाता हूँ, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश की भांति बन जाता है, वायु स्वतः शांत हो जाती है, और नदियों में जल का प्रवाह थम जाता है। राम को भूल जाओ, क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला मत्तर प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। मैं तुम्हें पाने के लिए उत्सुक हूं, मुझे निराश मत करो। तो यहाँ पर रावण काफी बता रहे हैं कितना शक्तिशाली है, कि वो कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश चेंज हो जाता है उसके आने से। तब सीता ने कहा, यदि तुम वास्तव में कुबेर के भाई हो तो कुप्रयोजन से क्यों आए हो? इंद्र की पत्नी का अपहरण करने वाले जीवित बच सकते हैं, किंतु जो मुझे कष्ट देने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। अंततः रावण ने सारा धैर्य खो दिया। क्रोध के आवेग में उसने भयंकर राक्षस रूप धारण कर लिया, जिसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी और नुकीले दांत थे। तब उस राक्षसों के राजा ने घोषणा की, यदि तुम ऐसा पति चाहती हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो, तो मुझे स्वीकार करो, मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें सदैव प्रसन्न रखूंगा। तुम्हें वन में निष्कासित उस राम से इतनी प्रीति क्यों है? तब रावण ने अपने बाएं हाथ से झपटकर सीता के केश पकड़ लिए। रावण का स्वर्ण रथ निकट आया और रावण ने अपना दाहिना हाथ सीता की जंघा पर रख दिया। तत्पश्चात वह भयभीत सीता को अपनी भुजाओं में उठाकर आकाश में चला गया। जैसे ही वह ऊपर गया, सीता चिल्लाने लगी, राम राम, मेरी रक्षा कीजिए, इस नीच रावण को दंड दीजिए। वियोग में सीता ने वृक्षों, नदियों, पक्षियों एवं प्राणियों से विनती की कि वे राम को सूचित कर दें कि उनकी सीता को अपहृत कर लिया गया है। तभी सीता ने एक ऊंचे वृक्ष पर बैठे हुए निंद्र मग्न जटायु को देखा। उन्होंने पुकारा, जटायु कृपया मेरी सहायता करो, कृपया जाओ और राम से कह दो कि दुष्ट रावण मुझे अपहृत करके ले गया है। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु उठा और देखा कि रावण उन्हें निर्दयता पूर्वक उठाए हुए जा रहा है। उसने राक्षसों के राजा को ललकारा, अरे रावण, मैं जटायु हूँ, गिद्धों का राजा, तुमने पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का साहस कैसे किया? सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपनी बाहों में एक विषैले सर्प को लिए जा रहे हो। मैं अभी 60,000 वर्षों का हो चुका हूँ, 60,000 वर्ष के थे जटायु, और मेरे पास अस्त्र भी नहीं है। तुम युवा हो और तुम्हारे पास अनेक हथियार हैं, किंतु मैं तुम्हें सीता को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, अपना कुप्रयोजन त्याग दो अथवा अपने रस से उस प्रकार गिरने के लिए तैयार हो जाओ जैसे कि वृक्ष से पका हुआ फल गिरता है। इस प्रकार ललकारे जाने पर रावण क्रोधित होकर जटायु की ओर लपका। जैसे ही उन दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ, ऐसा लगने लगा मानो दो पर्वत एक दूसरे से टकरा रहे हों। रावण ने जटायु पर अनेक हथियारों से प्रहार किया, किंतु उस विशाल गिद्ध ने अपने चुंगुलदार पैरों से रावण को कुरेद दिया। यद्यपि अनेक शक्तिशाली बाणों से जटायु का शरीर घायल हो चुका था, तथापि रावण के रथ में चीखती हुई सीता के दृश्य से उसे सारी पीड़ा सहन करने के लिए सक्षम बना दिया। जटायु ने बाणों के भयंकर प्रहार से प्रतिरक्षा के लिए अपने पंखों परों का उपयोग किया और अपने पैरों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। इसका लाभ उठाते हुए जटायु ने शीघ्र रावण का कवच फाड़ दिया और अपने नुकीले पंजों से रथ से जुते हुए खच्चरों का वध कर दिया। उसने रथ को नष्ट कर दिया और साथ साथ चोंच से रावण के सारथी का सिर भी काट दिया। रथ नष्ट हो जाने से रावण भूमि पर गिर गया, किंतु उसने सीता को अपनी भुजाओं में दबाए रखा।
वन के सभी प्राणी पराक्रम के इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर जटायु के साहस की सराहना करने लगे। किंतु जटायु वृद्ध था और शीघ्र ही थक गया। रावण एक हाथ में सीता को पकड़े हुए और दूसरे हाथ में तलवार लिए आकाश में उड़ने के लिए उठा। रावण की निंदा करते हुए जटायु अकस्मात उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसके बालों को पकड़कर इतने जोर से खींचने लगा कि राक्षसों के उस राजा के अधर क्रोध से कांपने लगे। अपनी बाई जंगा से सीता को दबाए हुए रावण ने पीछे की ओर हथेली से जटायु पर प्रहार किया, किंतु जटायु ने स्वयं को उस प्रहार से बचा लिया। रावण की बाई ओर की दसों भुजाओं को अपनी शक्तिशाली चोंच से फाड़ दिया, किंतु उनके स्थान पर तुरंत ही रावण की 10 नई भुजाएं उत्पन्न हो गई। तब राक्षसों के राजा ने सीता को एक और छोड़कर अपनी मुष्टि एवं पैरों से जटायु पर प्रहार करना आरंभ किया। वह युद्ध लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। निराश होकर रावण ने अपनी तलवार उठाई और जटायु के पंख, पैर और मांसल पार्श्व को घातक रूप से काट दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। विषादग्रस्त सीता वहां पहुंची जहां जटायु पड़ा था। आंखों में आंसू भरकर वे उसका आलिंगन करने लगी, किंतु शीघ्र ही रावण आकर उनके केश पकड़कर उन्हें वहां से उठा ले गया और वे शोक से व्याकुल होकर राम राम पुकारने लगी। सीता की करुण पुकार से संपूर्ण ब्रह्मांड हिल उठा, सब कुछ अंधकार में समा गया। सीता के शोक में वायु का वहना अवरुद्ध हो गया और सूर्य निस्तेज हो गया। भगवान ब्रह्मा ने, जो अपने दिव्य नेत्रों से इस पूरी घटना को देख रहे थे, घोषणा की, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। तत्पश्चात जब रावण आकाश मार्ग से जाने लगा, तब सीता के गहने तथा आभूषण टूटकर भूमि पर गिर गए। उनके हार से निकले हुए मोती उनके स्तनों से इस प्रकार लुढ़क रहे थे मानो गंगा का पवित्र जल आकाश से गिर रहा हो। दुख एवं भय से व्याकुल सीता रावण को कायता की बार बार भर्सना करते हुए स्वयं को उसके चंगुल से मुक्त करवाने का सतत प्रयास करती रही। रावण के लंका की ओर जाते ही ऐसा लगा मानो सभी प्राणी विलाप कर रहे हों, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई सदाचार नहीं। सीता के केश वायु में उड़ रहे थे, उनके ललाट का टीका लुप्त हो गया था और मुख उदास था। सीता से सकती हुई पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण। तभी सीता ने पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 बानर प्रमुखों को देखा। रावण से छुपकर सीता ने अपनी रेशमी चादर और कुछ गहने वनवासियों के मध्य गिरा दिए, इस आशा में कि वे राम को सूचित कर देंगे। रावण सीता को लंका ले जा रहा था और वे वानर एक टक ऊपर की ओर उन्हें देख रहे थे। अनेक शक्तिशाली भौतिकवादियों की भांति रावण ने अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए परिणाम के विषय में बिना विचार किए ही कार्य किया। सीता को सागर के पार अपने राज्य में ले जाते हुए वह यह विचार प्रसन्न हो रहा था कि उसने सफलता पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया और अब वह उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए उत्सुक था। कामुकतावश वह इस प्रकार अंधा हो चुका था कि यह समझ पाने में असमर्थ था कि वह जिस वस्तु के प्रति आसक्त है वही उसके लिए साक्षात मृत्यु है। भाग्य की देवी सदैव सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा में लगी रहती है। तब जब विश्व के भौतिकवादी उनका उपभोग करना चाहते हैं, तब वे उनके लिए प्राण घातक भौतिक प्रकृति दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती हैं। वे संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हैं और एक त्रिशूल लिए व्याघ्र पर आसीन रहती हैं, जिसके शूल भौतिक जीवन के त्रिगुणी ताप हैं। तन व मन से उत्पन्न ताप, अन्य जीवों के कारण उत्पन्न ताप और प्राकृतिक अपवादों के कारण उत्पन्न ताप, मतलब जो मन से परेशानियां होती हैं लोगों को या अन्य जीवों से, या प्राकृतिक जो जैसे अर्थक्वेक और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब इसको सब दुर्गा कंट्रोल कर रही है। वस्तुतः विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह श्रेष्ठ वैज्ञानिक हो अथवा विजेता, इन कष्टों को रोक नहीं सकता।
स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान समझने वाले रावण ने वास्तविकता की उपेक्षा की। सागर को पार करने के पश्चात रावण सीता को अपने महल के भीतर कक्षों में ले गया। वहां जाकर उसने अपनी भयावह राक्षसनी दासियों को आज्ञा दी, सीता का उचित प्रकार से ध्यान रखो, मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसका मुख देख ना पाए, उसे स्वर्ण मणि उत्तम वस्त्र आभूषण एवं भोजन दिया जाए, उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ उसे प्रदान किया जाए, किंतु मेरी चेतावनी याद रखना, उसके प्रति एक भी कटु वचन बोलने वाला मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके पश्चात रावण ने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलवाया और कहा, जब से राम ने जनस्थान में सभी राक्षसों का संहार किया है, उसके प्रति मेरे मन में ऐसी शत्रुता उत्पन्न हो गई है कि उसे सहन कर पाना मेरे लिए कठिन हो गया है। वस्तुतः मैं तब तक चैन से नहीं सो सकता हूँ जब तक कि मैं राम का वध ना कर दूं। अभी ही जनस्थान जाकर ठीक से उनका पता लगाओ और मुझे सूचित करो। तब अपनी इच्छा के अधीन होकर रावण पुनः सीता को देखने चला गया। उस कक्ष में प्रवेश करने पर उसने देखा कि अनेक राक्षसनियों से घिरी हुई सीता संतप्त अवस्था में है। अपने ही आंसुओं से भीगी हुई सीता ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वायु के थपेड़े खाई हुई कोई नाव सागर के तट पर आकर लग गई हो, अथवा कोई मृगिणी अपने झुंड से अलग बिछुड़ कर श्वानों के से घिर गई हो। इच्छा ना होने पर भी रावण सीता को महल भ्रमण कर पर ले गया। वह भव्य महल देवताओं के निवास जैसा था, जहाँ रावण की इच्छा पूरी करने के लिए सहस्त्रों दास थे। अनेक कक्षों में पिंजरे थे और उनमें विदेशी पक्षी रखे हुए थे तथा महल की दीवारों पर बहुमूल्य रत्नों से की गई गहन नक्काशी थी। शैयाएं हाथी दांत से निर्मित थी जिन पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। गवैये मधुर स्वर में गीत गा रहे थे तथा महल के उद्यानों एवं जलाशयों में फव्वारे एवं कमल के पुष्प थे। सीता ने देखा कि प्रत्येक कक्ष विस्तृत एवं सुसज्जित था। उनमें रहने वाली सहस्त्रों स्त्रियां अवर्णीय बहुमूल्य रत्न धारण किए हुए थी। रावण ने बताया, लंका में 32 करोड़ राक्षस निवास करते हैं। इस संख्या में वृद्धों एवं शिशुओं की गणना सम्मिलित नहीं है तथा इनमें से 1000 अनुचर मेरी व्यक्तिगत सेवा के लिए हैं। यदि तुम बुद्धिमान हो तो हे सुंदरी सीता तुम मेरी उद्दीप्त कामना को पूर्ण करके मेरी मुख्य पटरानी बन जाओ। मेरी रानी बनकर संपूर्ण वैभव का शासन करो और मैं तुम्हारे प्रति उत्पन्न प्रेम की अग्नि में तप रहा हूँ और तुम्हारे प्रति ही समर्पित रहूंगा। कृपया तुम मान जाओ और मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखो, क्योंकि यौवन का सौंदर्य क्षण भंगुर है। तुम मेरे साथ जीवन का आनंद लो और उस तुक्ष राम राम को मन से निकाल दो। सीता ने अपने चंद्रमा के समान मुख को ढक लिया और चुपचाप आंसू बहाने लगी। रावण पुनः कहने लगा, तुम इस बात से भयभीत ना हो कि हम दोनों का संबंध धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं तुम्हारे चरण पकड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम मान जाओ मेरी इस प्रार्थना को, जो तुम्हारे प्रति प्रेम परिवेदना से उत्पन्न हुई है, व्यर्थ न जाने दो। इसके पहले रावण किसी भी स्त्री के समक्ष झुका नहीं है। रावण को लगा कि सीता के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करके वह सीता को शीघ्र अपने वश में कर लेगा, किंतु सीता ने बिना भय के उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल राम वास करते हैं। मैं एक हंसनी और जो कमल से परिपूर्ण सरोवर में अपने पति के संग क्रीड़ा करती हूँ, तट पर भटकने वाले बतख के पास क्यों जाऊं। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। अपनी पाप में घृणित कामुकता के कारण तुम शीघ्र ही राम के हाथों मारे जाओगे। सीता द्वारा इस प्रकार से तिरस्कृत होने के पश्चात रावण क्रोधित होकर बोला, मैं तुम्हें केवल 12 माह का समय देता हूँ ताकि तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दो। समय पूरा होने पर भी यदि तुम सहमत नहीं हुई तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसे मेरा भोजन बनाकर परोसेंगे। तब रावण ने राक्षसनी दासियों को आज्ञा दी, सीता को अशोक वृक्ष की वाटिका में ले जाओ, उसका भलीभांति ध्यान रखना
हर प्रकार से मेरे लिए उसको मनाने का प्रयास करना। उसे डराओ अथवा धमकाओ, उसकी चापलूसी करो, जैसा चाहो करो, किंतु उसे वश में करो। जैसे कि हाथी को वश में करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। लंका की सुंदर अशोक वाटिका में पहुंचकर, जो वृक्षों, फलों तथा पुष्पों से परिपूर्ण थी, सीता दुख से व्याकुल हो उठी। कुरूप राक्षसनियों द्वारा लगातार धमकाए जाने के कारण वे शीघ्र ही भय के कारण अचेत हो गईं। उस समय भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को बुलाकर कहा, रावण सीता को अपहृत करके लंका ले आया है। यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि निश्चित रूप से इसका तात्पर्य है राक्षसों का विनाश। कदापि इस बात का भय है कि सीता राम के वियोग में कहीं अपने प्राण ना त्याग दें। अतः मैं चाहता हूं कि आप जाकर यह दिव्य खीर उन्हें खाने के लिए दें। तत्पश्चात इंद्र निद्रा की देवी किस को साथ में लेकर लंका की अशोक वाटिका में गए। जब निद्रा देवी ने अपने प्रभाव से सभी राक्षसनियों को सुला दिया, तब ब्राह्मण का वेश धारण किए इंद्र सीता के पास जाकर बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूं तथा राम की सहायता के लिए आया हूं। कृपया इस दिव्य खीर को ग्रहण कीजिए, जिससे आप अनेक वर्षों तक भूख एवं प्यास का अनुभव नहीं करेंगी तथा शारीरिक पीड़ा से भी मुक्त रहेंगी। सीता को उस ब्राह्मण के इंद्र होने पर संदेह हुआ और उन्होंने इंद्र से उनके दिव्य रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर इंद्र ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। तब जब सीता ने देखा कि उनके चरण धरती को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तथा उनके हार तथा वस्त्र मुरझाए हुए नहीं हैं और धूल रहित हैं, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि वे इंद्र ही हैं, और तब उन्होंने वह खीर ग्रहण की। सीता ने प्रार्थना करके उस खीर को राम को अर्पित किया, फिर उसे ग्रहण किया। उसे खाते ही वे सभी प्रकार की शारीरिक वेदनाओं से मुक्त हो गईं। इंद्र एवं निद्रा देवी ओझल हो गए, उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया। भगवान के भक्त जब भी किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं, तब भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा एवं कुशलता के लिए भक्त कभी चिंतित नहीं रहता। यह जानकर कि कृष्ण और राम को सदैव ही उनकी आवश्यकता का बोध है, उनका मन केवल भगवान की सेवा की ओर लगा रहता है। प्रेम के इस आश्चर्यजनक आदान प्रदान में भक्त सदैव ही भगवान का तथा भगवान अपने भक्त का चिंतन करते हैं। मारीच का वध करने के पश्चात राम शीघ्र अपनी कुटिया की ओर लौट गए। मार्ग में उन्हें विचार आया, हे राक्षस, जन स्थान में उनकी पूरी सेना का संहार किए जाने के कारण निश्चय ही मुझसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, मुझे बहकाकर दूर ले जाने, सीता का हरण करने हेतु मारीच की यह चाल संभवतः उस योजना का एक अंश थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि मेरे स्वर में मारीच की पुकार सुनकर कहीं लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़ गए हो। अपने पीछे सियार के भयानक करुण क्रंदन को सुनकर राम के संचित वृद्धि होने लगी। पक्षी तथा प्राणी भी भयंकर रुदन करते हुए राम की दाहिनी ओर से होकर जाने लगे। इसके अतिरिक्त उनकी बाई आंख में ऐठन होने लगी। उनकी बाई भुजा वेग से फड़कने लगी, हृदय धड़कने लगा। ऐसे ही अब शकुन के चिन्हों का अनुभव करते हुए राम ने देखा कि लक्ष्मण कुटिया की दिशा से आ रहे हैं। बाएं हाथ से उन्हें पकड़कर राम तुरंत उनकी भर्त्सना करने लगे, तुमने सीता को असुरक्षित छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कैसे किया? इन अपशकुनों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि उसे मार दिया गया है अथवा अपहृत कर लिया गया है। हे लक्ष्मण, तुमने सीता को नितांत अकेली कैसे छोड़ दिया? जब वे दोनों कुटिया की ओर आ रहे थे, राम पगडंडी पर फिसल गए। सीता से वियोग के भय एवं लक्ष्मण द्वारा उन्हें असुरक्षित छोड़ देने के कारण उत्पन्न क्रोध से राम व्याकुल होकर एक विक्षिप्त व्यक्ति की भांति विलाप करने लगे। यदि यदि सीता को कुछ हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा,
क्योंकि मैं सीता के बिना जीवित रहने का सोच भी नहीं कर सकता हूं। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? मेरी प्रिय सीता को असुरक्षित क्यों छोड़ दिया? लक्ष्मण समझाने का प्रयास करने लगे। सहायता के लिए आपकी पुकार सुनकर सीता विक्षिप्त सी हो गई। वे मुझ पर दोषारोपण करने लगी कि मैंने आपको निस्सहाय छोड़ दिया है। हरे कृष्णा, छोड़ दिया है ताकि मैं नारायण प्रभु, आर यू शेयरिंग समथिंग? आप कुछ शेयर कर रहे हैं क्या? ओके, नो शुक्र। राम ने रोष में आकर उत्तर दिया। उनके द्वारा लगाए आरोपों को मिथ्या सिद्ध करते हुए मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ चला आया। राम ने रोष में आकर उत्तर दिया, सीता को असुरक्षित छोड़ आने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं अजीत हूँ और राक्षसों तथा किसी अन्य से मैं स्वयं की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। तुम्हें स्त्री के क्रोध से उत्तेजित होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। हे लक्ष्मण, तुमने अनुचित व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अंत में राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुंचे, जहां कोई नहीं था। तब राम चारों ओर सीता को खोजने लगे। उन्हें ना पाकर उनका चेहरा मुरझा गया और शोक से काला पड़ गया। वियोग की अनुभूति से उत्पन्न दिव्य विक्षिप्तता से दुखी राम वृक्षों से पूछने लगे, क्या तुमने पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र पहने हुए तथा केशों को पुष्प से सुसज्जित किए हुए मेरी प्रिय सीता को इधर से जाते हुए देखा है? राम वन के प्राणियों एवं पक्षियों से भी पूछने लगे कि क्या उन्होंने सीता को देखा है। कोई उत्तर ना पाकर वे अधिक विषादग्रस्त हो गए। तब यह कल्पना करने लगे कि कन्ने की सीता वहां अकस्मात प्रकट हो गई है। राम पुकारने लगे, मेरी प्रियतमा, तुम मुझसे दूर जाकर स्वयं को क्यों छुपा रही हो? तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? तब राम ने सोचा कि राक्षसों ने सीता का वध कर दिया है होगा और वे उनके सीता के शारीरिक अंगों के विषय में सोचने लगे। राम एवं लक्ष्मण वन वन घूमकर और पर्वतों पर जाकर सीता को ढूंढते रहे, किंतु सीता का को खोज नहीं पाने पर वे निराश होकर बैठ गए। लक्ष्मण ने उन्हें ढूंढते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार उन्होंने अनेक पर्वतों, वनों और मैदानों में खोज की। अंततः राम अति शोकाकुल हो उठे और आगे नहीं बढ़ सके। वे गतिहीन से खड़े होकर हो गए तथा अकारण ही लंबी सांसें लेने लगे। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। राम ने सीता को ढूंढ लेने के लक्ष्मण के आश्वासनों पर कोई ध्यान ना दिया। प्रेम से व्याकुल राम असहाय होकर बार बार सीता सीता पुकारने लगे। विक्षिप्त होकर उन्होंने पुकारा, मेरी प्रियतमा, तुम कहीं छुपकर मेरे साथ क्रीड़ा तो नहीं कर रही? मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे समक्ष आओ, क्योंकि यह वेदना असहनीय है। प्रभु के वियोग में भक्तों द्वारा विलाप किए जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृंदावन की गोपियों ने तो अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की खोज में भ्रमण करते हुए व्यतीत कर दिया। श्रेष्ठ भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान के प्रति विरह भाव को भगवत प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकार किया। तथापि कोई पूछ सकता है कि भगवान होने के नाते राम अपनी प्रियतमा के वियोग में एक साधारण मनुष्य की भांति क्यों विलाप कर रहे हैं? वस्तुतः सर्वज्ञ होने के कारण निश्चित रूप से उन्हें सीता की स्थिति ज्ञात थी। भगवान अपनी लीला अनेक कारणों से प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम तो वे हमें यह सिखाना चाहते हैं कि वे स्वयं कभी भी व्यक्तित्व शून्य नहीं है, अपितु सदैव ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। इस प्रकार वे अपने भक्तों को सुख देते हैं और कपोल कल्पना करने वालों तथा योगियों को यह बताते हैं कि परम सत्य भगवान एक व्यक्ति है जिन्हें प्रेम से नियंत्रित किया जा सकता है, और जो प्रेम के वश में होते हैं दूसरे वे न्याय की रीति अर्थात धर्म की स्थापना करने आते हैं। वे दैत्यों का संहार करने के लिए भी आते हैं। अपनी अपहृत पत्नी के लिए विलाप करते हुए भगवान राम धर्म की तथा उचित आचरणों की संस्थापना करते हैं। वे नकारात्मक उदाहरण
द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्त्री के प्रति असक्त अत्यासक्त पुरुष की स्थिति कैसी होती है। इस घटना से यह भी ज्ञात होता है कि एक स्त्री को सदैव ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा रावण सदस्य राक्षसों द्वारा उसका शोषण किया जाएगा। वैदिक जीवन पद्धति में स्त्रियों के स्वतंत्र जीवन पर प्रतिबंध है। स्त्री कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। तथापि यह निर्देश भौतिकवादियों के लिए है। आध्यात्मिक दृष्टि से राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भौतिक दशाओं के अधीन नहीं है। सीता के वियोग में राम के अनुभव को औदर्य प्रेम, विरह में किया जाने वाला अलौकिक माधुर्य प्रेम कहा जाता है। यह भगवान के आनंद सामर्थ्य की एक लीला है, सामर्थ्य की एक लीला है और आध्यात्मिक विश्व के माधुर्य प्रेम रस का अंश है। अनेक बार पुकारने पर भी जब सीता प्रकट नहीं हुई, तब राम को विश्वास हो गया कि राक्षसों ने उसका वध कर दिया है। लक्ष्मण भी दुखी थे। राम ने उनसे कहा, हे लक्ष्मण, जाकर गोदावरी नदी के तट पर देख आओ, संभवतः सीता वहां पुष्प एकत्रित कर रही होंगी। तत्पश्चात जब लक्ष्मण सीता को लिए बिना अकेले ही गोदावरी नदी के तट पर से लौट आए, तब राम स्वयं नदी के पास गए और वृक्षों तथा वन्य प्राणियों से उनके विषय में पूछने लगे। किंतु रावण ने भय से किसी भी प्राणी को रावण के भय से किसी भी प्राणी को उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। तथापि राम को मृगों की दृष्टि में कुछ अर्थ दिखाई दिया जो उनकी ओर देख रहे थे। राम ने मृगों से उनके नेत्रों के माध्यम से प्रश्न पूछकर उनके मन की भाषा पढ़ने का प्रयत्न किया। मृग अपना सिर ऊपर उठाए दक्षिण दिशा की ओर देख रहे थे, मानो इस बात की सूचना दे रहे हों कि सीता को आकाश मार्ग द्वारा दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया है। लक्ष्मण मृगों के संदेश को समझ गए एवं उन्होंने उसी दिशा में चलने का निश्चय किया ताकि कुछ पता चल सके। वहां से चलकर शीघ्र ही उन्होंने बिखरे हुए कुछ पुष्प देखे जो राम ने सीता को दिए थे। निकट स्थित एक पर्वत को संबोधित करते हुए राम ने कहा, इस मार्ग से होकर सीता कहाँ गई है? कोई उत्तर न मिलने पर राम क्रोधित होकर कहने लगे, हे शक्तिशाली पर्वत, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपने बाणों से नष्ट कर दूंगा। राम पर्वत की चोटी को अपनी तपती दृष्टि से देख रहे थे और वहां केवल सन्नाटा था। राम पर्वत पर अपने बाण चलाने ही वाले थे कि लक्ष्मण ने उन्हें सीता के पदचिन्ह दिखाए, जिसके आसपास किसी विशाल राक्षस के पदचिन्ह भी थे। कुछ दूर उन पदचिन्हों की ओर चलने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने रावण का टूटा हुआ धनुष, विनष्ट रक्त के कुछ भाग एवं सीता के कुछ टूटे हुए आभूषण देखे। जब उन्होंने रक्त की कुछ बूंदें देखी, तब राम ने यह सोचा कि अवश्य ही राक्षसों ने सीता का वध कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्थान पर दो नरभक्षियों ने आपस में युद्ध किया हो। उन मृत खच्चरों, विनष्ट रथ एवं बिखरे हुए अस्त्रों को देखकर राम ने प्रतिज्ञा की, अब कोई राक्षस मेरी प्रतिहिंसा से बच नहीं सकता, क्योंकि सीता की हत्या की प्रतिकार स्वरूप आज ही मैं उन सबका विनाश कर दूंगा। इन अक्षम देवताओं ने मेरी असहाय पत्नी की रक्षा के लिए कुछ उपाय क्यों नहीं किया? यदि ये देवता तत्काल सीता को लेकर मेरे सम्मुख नहीं आए तो उनकी लापरवाही एवं राक्षसों के इस अपराध के बदले मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। राम के नेत्र क्रोध से रक्तिम हो गए, उनके अधर क्रोध से फड़क रहे थे। तब लक्ष्मण के पास से धनुष लेकर राम ने उस पर एक विनाशकारी बाण चढ़ाया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाए। भय के मारे लक्ष्मण ने अपने दोनों हाथों जोड़कर सविनय प्रार्थना की, राम आप स्वभाव से ही भद्र आत्मसंयमी तथा सभी जीवों के हितेशी हैं, अतः अपनी उत्तेजना को नियंत्रण में रखें और विवेक से कार्य करें। मुझे लगता है कि इस संघर्ष में केवल एक ही राक्षस का हाथ है, क्योंकि यहाँ नष्ट हुआ एक ही रथ है। हमें सीता की खोज करते रहना चाहिए, उसके पश्चात भी यदि वह हमें ना मिले
तब आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। भ्राता श्री, आप सहनशीलता का अभ्यास करें, क्योंकि दुख अनिवार्य है। यदि आप भी जीवन के कष्टों को सहन नहीं करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति से इसकी आशा कैसे की जा सकती है। आपको केवल अपने शत्रु के विनाश के उपायों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण राम के चरण कमलों को दबा रहे थे एवं बार बार उन्हें सांत्वना दे रहे थे। राम ने अपने धनुष से बाण निकाल लिया एवं समूचे जनस्थान में सीता की गहन खोज करते रहने के लक्ष्मण के सुझाव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वन में खोजते हुए राम एवं लक्ष्मण ने रक्त रंजित जटायु को देखा। राम ने सोचा कि पक्षी का वेश धारण किए हुए यह कोई राक्षस है जो सीता का भक्षण करके विश्राम कर रहा है। इस प्रकार राम उस ओर बढ़ते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। निकट जाने पर राम को ज्ञात हुआ कि वह जटायु है जो सीता को रावण के चंगुल से बचाने के प्रयास में प्राण घातक रूप से घायल हो गया है। अपने सेवक की ऐसी दशा देखकर राम और भी दुखी हो उठे। राम ने उद्वेग से पूछा, हे जटायु, कृपया मुझे सीता एवं उनके अपहरणकर्ता के विषय में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। घायल जटायु ने संपूर्ण घटना कह सुनाई और कहा, रावण सीता को दिन के उस समय उठाकर ले गया जिसे विंद कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मुहूर्त में अपनी कोई वस्तु खोता है तब निश्चित रूप से वह उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रिय राम, सीता के लिए अधिक शोक ना करो, क्योंकि युद्ध में राक्षसों के राजा को मारने के पश्चात आप निश्चित रूप से सीता को ले आएंगे। तब वह रावण की उच्च वंश परंपरा के विषय में बताने लगा और राम राम कहते हुए अपनी अंतिम श्वास ली। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता के अपहरण की घटना से अधिक त्रस्त मैं जटायु की मृत्यु से हूँ, जिसने मेरे लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि हम इसकी दाह क्रिया कर सकें और यह सर्वविदित हो कि मैं मेरे लिए की गई सेवा के परिणाम स्वरूप जटायु ने सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मण ने चिता तैयार की, राम ने जटायु का शरीर उस पर रखा और अग्नि दी। जटायु की आत्मा की शांति के लिए दोनों भाइयों ने प्रार्थना की और वैदिक मंत्रों का पाठ किया। तब राम एवं लक्ष्मण गोदावरी नदी के तट पर जलार्पण करने गए और उसके पश्चात उन्होंने स्नान किया। इस प्रकार अंतिम संस्कार पूर्ण करने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने पुनः अपना ध्यान सीता की खोज की ओर केंद्रित कर दिया। वन में विचरण करने लगे। दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर उन्होंने वृक्षों एवं झाड़ियों से परिपूर्ण एक ऐसा स्थान देखा जहां उस समय तक कोई ना जा सका। कठिनाई से उस दुर्गम स्थान को पार करने के पश्चात वे दंडकारण्य वन को छोड़कर क्रौंच वन में पहुंचे। उसे पार करके राम और लक्ष्मण एक अन्य सघन वन में प्रविष्ट हुए। वहां अकस्मात उनका सामना एक विशाल राक्षसनी से हुआ जो एक विशाल गुफा के समक्ष खड़ी थी। लंबे नुकीले दांतों वाली विशाल उदर एवं कठोर त्वचा वाली वह भयंकर राक्षसनी जल्दी से आगे बढ़ी और हाथ से लक्ष्मण को पकड़कर बोली, हे सुंदर व्यक्ति, जरा मेरे संग आओ और इस मनोहर वन का आनंद लो। तब उस राक्षसनी ने लक्ष्मण को गले से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपनी प्रिय पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने क्रोधित होकर अपनी तलवार खींची और उस राक्षसनी की नाक कान तथा स्तन काट दिए। रक्त बहाती हुई तथा पीड़ा से चीखती हुई वह राक्षसनी भाग गई। राम और लक्ष्मण पुनः आगे चल पड़े। अकस्मात राम ने कहा, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है और मन विचलित हो रहा है। हे लक्ष्मण, आसन विपत्ति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने
वज्जुलक पक्षी की भयंकर चीख सुनी और ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, यह इस बात का सूचक है कि विजय हमारी होगी। वन में कुछ दूर जाने पर राम एवं लक्ष्मण ने तूफान की गर्जना के समान एक उच्च स्वर की ध्वनि सुनी। राम एवं लक्ष्मण सावधानी पूर्वक हाथ में तलवार लिए उस ध्वनि के स्तोत्र की ओर बढ़े। उन्होंने एक ऐसे विशाल राक्षस को देखा जिसके सिर, गला और पैर नहीं थे। तथा उदर के मध्य में भयंकर मुख स्थित था। वह पर्वत के जैसा विशाल राक्षस था, जिसके पूरे शरीर पर चुभने वाले बाल थे। उसकी छाती पर दो अग्नि में नेत्र थे। उसकी लंबी भुजाओं का विस्तार 8 मील तक था, जो उसे विशाल प्राणियों को सहजता पूर्वक पकड़कर उनका भक्षण कर लेने में सक्षम बनाती थी। यद्यपि राम एवं लक्ष्मण उस दैत्य को देखने के पश्चात उससे 2 मील दूर चले गए, किंतु राक्षस ने उन दोनों को इस प्रकार पर जकड़ लिया कि वे असहाय हो गए। राम विचलित नहीं हुए, परंतु लक्ष्मण निराश होकर बोले, हे राम, आप इस राक्षस को अपने जीवन के बदले मेरा बलिदान दे दें, उसके पश्चात आप सीता को खोज पुनः कर सकेंगे। तब राम ने लक्ष्मण को निर्भय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तब राक्षस ने कहा, मेरा नाम कबंध है। यह अत्यंत सौभाग्य है की बात है कि तुम दोनों मेरे बल में आए हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्योंकि विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बहुमूल्य प्राणों की रक्षा करना अत्यंत कठिन होगा। तब लक्ष्मण ने राम से कहा, हमें शीघ्र ही अपनी तलवारों से इस राक्षस को की भुजाएं काट कर स्वयं को बचाना होगा। यह सुनते ही कबंध उद्गीन हो उठा और तुरंत ही राम और लक्ष्मण को निगल जाने के लिए अपना भयंकर मुख खोला। किंतु उसके ऐसा करने से पहले ही राम ने उसकी दाई तथा लक्ष्मण ने उसकी बाई भुजा काट दी। इस प्रकार वह भूमि पर गिर कर अपने रक्त से सन गया। संतप्त स्वर में कबंध ने पूछा, आप कौन हैं? लक्ष्मण ने कहा, हे राम, ये राम है जो इक्ष्वाकु वंश के एक क्षत्रिय हैं। मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ राम की पत्नी सीता की खोज में आए हैं, जिन्हें राक्षसों का राजा रावण उठाकर ले गया है। राम का नाम सुनते ही कबंध अत्यंत प्रसन्न हो उठा। तब राक्षस ने बताया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप यहाँ मुझे मुक्त करने आए हैं। कृपया सुने कि ऐसा भयंकर रूप मुझे कैसे प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में मैं धनु का पुत्र था। कठिन तपस्या करने के पश्चात मैंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे दीर्घ अवधि के जीवन का वरदान दिया। यह वरदान पाने के पश्चात मुझे अभिमान हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरा प्रमुख शत्रु इंद्र अब मुझे किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता है। तत्पश्चात मैंने स्वर्ग के राजा इंद्र पर युद्ध भूमि के में आक्रमण कर दिया। उन्होंने वेग से मेरे ऊपर वज्रपात किया। जब मेरे ऊपर वह बिजली गिरी, तब मेरा सिर और मेरे पैर शरीर में प्रविष्ट हो गए। स्वयं को ऐसी दीन अवस्था में पाकर मैं इंद्र से याचना करने लगा कि वह मेरा वध कर दें, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से भगवान ब्रह्मा के वचन असत्य हो जाएंगे। अंततः जब मैंने इंद्र से पूछा कि सिर के बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, तब उन्होंने मेरा मुख उदर के मध्य में से स्थित करके मेरी भुजाओं को 8 मील लंबा बना दिया। तब इंद्र ने बताया, जब राम एवं लक्ष्मण तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम अपने मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करोगे। कबंध ने आगे बताया, उस दिन से मैं अपनी इन लंबी भुजाओं से जीवों को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालता रहता हूँ, इस आशा में कि इंद्र के कथनानुसार मैं एक दिन राम को भी पकड़ूंगा। उसके पश्चात एक दिन मैंने एक ऋषि को कष्ट दिया, जिसके कारण उन्होंने मुझे अनंत काल के लिए इसी विक्षिप्त रूप में बने रहने का शाप दिया। मैंने उस ऋषि से बहुत प्रार्थना की कि वे मेरी इस दशा के अंत का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब राम मेरा दाह संस्कार करेंगे, तभी मुझे ऐसे रूप से मुक्ति मिलेगी और मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ सकूंगा।
अभी मैं आपको आपके द्वारा मुक्त किया जा सकता हूँ और अपनी मृत्यु के पश्चात मैं आपको मित्रता करने योग्य एक व्यक्ति के विषय में सूचना दूंगा, जिससे आपको अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायता मिलेगी। फिर राम ने बताया, मेरी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर कर ले गया है, किंतु मुझे केवल उसका नाम पता है। वह कैसा है, कहाँ रहता है, इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं तुम्हें एक विशाल गड्ढे में फेंककर तुम्हारी इस देह की दाह क्रिया कर दूंगा, ताकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। बदले में तुम मुझे रावण के विषय में कुछ सूचना देना। कमंद ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं रावण के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु दाह क्रिया के पश्चात मैं आपको ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जिसने तीनों लोकों का भ्रमण किया है। वह राक्षसों के राजा का पता लगाने में आपकी सहायता करेगा। तत्पश्चात राम एवं लक्ष्मण ने कबंद को पर्वत की गुफा में से ले जाकर उसके शरीर को लक्ष्मण द्वारा तैयार की गई चिता पर रख दिया। स्थूल शरीर होने के कारण जब उसका शरीर जलने लगा, तब वह जलते हुए घी के पिंडक के समान प्रतीत होता था। तब उस अग्नि में से एक कबंद सुंदर वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषणों एवं हारों से सुसज्जित अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट हुआ। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले अपने दिव्य रथ पर बैठकर कबंद ने कहा, हे राम, राजनैतिक संकट को दूर करने के 6 उपाय हैं। शांति के द्वारा, युद्ध के द्वारा, हिंसा के द्वारा, श्रेष्ठ हथियारों एवं दुर्ग के निर्माणों द्वारा, मतभेद उत्पन्न करके तथा अन्यों की सहायता के द्वारा। अभी आप अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हैं, अतः ऐसी ही दशा के एक व्यक्ति की सहायता से आप अपनी पत्नी को ढूंढ पाने में समर्थ हो सकेंगे। वह व्यक्ति बानर राज सुग्रीव है, जिसे उसके अग्रज बाली ने, जो इंद्र का पुत्र है, राज्य से निष्कासित कर दिया है। हे राम, आपको सुग्रीव से, जो सूर्य द्वारा रक्षक राज की पत्नी से उत्पन्न किया गया है, मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी किसी उपकारी व्यक्ति की आवश्यकता है। वे 4 अन्य बानरों के साथ पंपा सरोवर के निकट शयमुख पर्वत पर निवास करता है। सर्वप्रथम आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुंदर पक्षियों का निवास है। वहाँ के पक्षियों को मनुष्यों से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि वे उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। पक्षियों तथा पंपा सरोवर की मछलियों को भोजन खिलाकर आप वहां रहने वाली शबरी नाम की एक तपस्विनी महिला से भेंट करें। वह समूचा क्षेत्र सदाबहार पुष्पों से परिपूर्ण है, जो मतंग ऋषि के शिष्यों के शरीर ने स्वेद से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वे वन से फल, फूल एवं मूल लाते थे। बहुत समय पहले महान ऋषि मतंग ने उसी पंपा सरोवर के निकट अपना शरीर त्याग दिया था। उसके पश्चात वह योगिनी स्त्री शबरी उनके शिष्यों का ध्यान रखने लगी। यद्यपि ये ऋषि भी बहुत पहले ही उच्चतर लोकों को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु शबरी ब्रह्मलोक सिधारने से पूर्व आज भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा में वहां निवास करती है। पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत एवं पर्वत है, जहां सुग्रीव एक विशाल गुफा में निवास करता है, और उसे सदैव ही बाली के आक्रमण का भय लगा रहता है। सुग्रीव विश्वास पात्र, निपुण, उदार, बुद्धिमान, पराक्रमी एवं शक्तिशाली है। उसके साथ मैत्री करना उचित होगा, क्योंकि उसे राक्षसों के विषय में सब कुछ ज्ञात है। उसके अनुयायी सारी पृथ्वी पर घूमकर सीता की खोज कर सकते हैं। ऐसा कहकर कबंद ने राम से अनुमति ली और स्वर्गलोक चला गया। तब कबंद के निर्देशों का पालन करते हुए राम एवं लक्ष्मण चले। दूसरे दिन उन्होंने पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर मतंग ऋषि का आश्रम देखा। जब राम एवं लक्ष्मण कुटिया में पहुंचे, तब शबरी ने हाथ जोड़कर
उनका अभिवादन किया। तब शबरी ने राम एवं लक्ष्मण के चरण कमलों को स्पर्श करके जल से धोया और नाना प्रकार के खान पान की वस्तुएं प्रस्तुत की। जब राम ने शबरी से उसके आध्यात्मिक अभ्यासों के विषय में पूछा, तब उसने उस सिद्धात्मा ने बताया, आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। आपके चित्रकूट आने से पूर्व ही वे ऋषि जिनकी मैं सेवा करती थी दिव्य रथों में स्वर्ग लोक चले गए, किंतु जाने से पहले वे मुझे आश्वस्त कर गए कि आप अवश्य यहाँ आएंगे और आपकी सेवा करके मैं भी स्वर्ग लोक प्राप्त करूंगी। राम के आग्रह करने पर शबरी उन्हें एवं लक्ष्मण को पंपा सरोवर के आसपास के सुंदर क्षेत्रों का भ्रमण कराने ले गई। उसके पश्चात शबरी ने राम से अपने मतर्य शरीर से मुक्ति पाने की अनुमति मांगी, ताकि वे उन ऋषियों के पास चली जाएं जिनकी उसने बहुत लगन से सेवा की थी। शबरी से अत्यंत प्रसन्न होकर राम ने उसकी इच्छा पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार वह तपस्विनी वृक्ष की छाल, काली मृग त्वचा तथा जटा धारण किए हुए योगाग्नि में कूद पड़ी। अगले ही क्षण शबरी दिव्य रत्नों एवं मालाओं से सुसज्जित बिजली की चमक की भांति स्वर्ग चली गई। इस प्रकार से शबरी का आध्यात्मिक शौर्य देखने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण पंपा सरोवर में स्नान करने गए, जो सात सागरों के जलों का समिश्रण था। तत्पश्चात सीता को खोज पाने की आशा में उत्साहित होकर राम लक्ष्मण सहित सुग्रीव का पता लगाने चल पड़े। हरे कृष्णा। तो हमने अरण्य कांड पूरा कर लिया है, अब हम लोग किष्किंधा कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, किष्किंधा में प्रवेश। क्या कहते हैं आप लोग? वैसे अभी 10 मिनट है, अगर किसी